हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रियाशी राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। वेल, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ वुमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आप सभी को पता है कि जब आफ्टर बर्थ जो है वुमन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने वजाइना से रिलेटेड होती है, यानी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होती है। उनमें से सबसे मेन चीज़ तो यही होती है कि उनकी वजाइना जो है वो ढीली हो जाती है, उनका प्राइवेट पार्ट ढीला हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं पहला तो यही होता है कि आप जो है नॉर्मल डिलीवरी करते हो एंड आपका वजन भी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और उसके बाद जब वजन लूज़ होता है, जब कम होता है, तब आपके वजाइना का जो खिंचाव है वो कम हो जाता है, वो ढीली हो जाती है। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस है या फिर कुछ एक मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है आप लोगों के रिगार्डिंग। तो इन सभी सिचुएशन के अंदर जो है महिलाएँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा फील करती हैं। एंड आपको पता ही है कि इस टॉपिक पर बात करना कितना बड़ा टैबू माना जाता है। आपस में दो लड़कियाँ भी ठीक से बात नहीं कर पाती हैं, या फिर अगर आप किसी भी लड़की से बात पूछते हो तो या तो उसको इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, या फिर अगर वो कुछ भी हर कुछ ही बताना स्टार्ट कर देती है। बट मुझे ऐसा लगता है इन टॉपिक के ऊपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ऐसी बहुत सारे टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो कि यूज़ करते हैं लोग, और उनको बहुत सारे इन्फेक्शन्स देखने को मिले हैं, क्योंकि एक तो वो सर्टिफाइड टैबलेट्स नहीं होते हैं एंड उनको यूज़ करने से आपको श्वेत पदर की बीमारी, आपको खुजली, इचीनेस या फिर आपको यूटीआई जैसे इन्फेक्शन्स भी हो सकते हैं। तो इस मामले में एक बेहतरीन सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, खास करके कोई एक ऐसा प्रमाणित प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि आयुर्वेद हो एट सेम टाइम इफेक्टिव हो, और आपको इस तरीके की जो है डिसएडवांटेज या फिर हार्मफुल जो चीज़ें हो जाती है वो आपको देखने को ना मिले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजाइनल टाइटनिंग या योनि टाइटनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है, बट मैं जो रेकमेंड करती हूँ वो आज उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि जो प्रोडक्ट है वो आप जो है मैं फ़ोन नंबर डालूंगी, आप वहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हो। बट मेल के लिए अलग नंबर रहेगा और फीमेल के लिए अलग नंबर रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मेल जो है फ़ोन करते हैं एंड देन दे आर टॉकिंग नॉनसेंस। बहुत सारी बार जो हमारे टेलीकॉलर्स होते हैं उनको परेशान कर रहे होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो ना हो, दैट्स वाई अलग अलग नंबर दिए जा रहे हैं। ओके, वेल, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डॉक्टर वीजी प्लस टैबलेट की। कुछ इस तरीके के कंटेनर्स के अंदर आता है, इसके ऊपर सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। ये कंटेनर के अंदर आपको जो है 24 टैबलेट मिलेंगी जो कि कुछ इस तरीके की होती है। आप देख सकते हो ये 24 टैबलेट्स हैं। पीरियड्स के दिनों को छोड़ करके बाकी सारे दिन आपको इन टैबलेट को यूज़ करना होता है, और ये आपके वजाइनल टाइटनिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। पूर्ण तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति से बना हुआ, इसमें सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले गए हैं जो कि आपको जो है डिसएडवांटेज नहीं देंगे। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जिसके आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है इसके साथ। दैट इज़ वाई आई रिकमेंडेड टू यू। ऑल्सो ये एक पूरा कोर्स है 24 डेज का, तो आपको वो कोर्स कंप्लीट करना है। इसके साथ ये एक एप्लीकेटर आता है जिससे आप इजिली और एकदम कन्वीनियंटली इसको क्या टैबलेट को यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको टैबलेट डालनी है स्क्वाट की पोजिशन में, या फिर आप लेट के भी इस टैबलेट को अपने वजाइना के अंदर डाल सकते हो। बस आपको पीरियड्स के दिनों में इसको नहीं करना है। ये तो रही जो है कि महिलाएं जो मैरिज उनकी हो चुकी है, वो आफ्टर डिलीवरी बर्थ कर चुकी हैं एंड जो उनको यूज करना। अब आती है जिन लोगों की शादी होने वाली, और एक वो टैबू जैसा है हमारे समाज के अंदर कि वजाइना से ब्लड निकलना चाहिए, ऐसा वैसा ये सब चीज़ें। तो जो लोग इन चीज़ से लड़ सकते हो तो परफेक्ट है, लेकिन जिन लोगों को ये टैबू लगता है और उनका एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली के अंदर जो है चली गई हैं एंड उनकी शादी होने वाली है, दे आर स्केयर्ड, दे आर टेंस एंड नर्वस, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इन सब चीज़ों का होता है, सफ़ेद चादर बिछाना एंड व्हाट नॉट। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो कि एक तरीके की एक सिग्मा है, और फीमेल्स काफ़ी परेशान होती है, तो कोई भी लड़कियाँ परेशान हो रही है इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो जो ये वर्जीनिया केयर हाइमन ब्लड कैप्सूल है आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये 24 डेज यानी कि 1 मंथ का ये डोसेज है। एक्चुअली 1 मंथ इसलिए क्योंकि पीरियड्स के टाइम आपको ये यूज़ नहीं करना, ये आप पूरा कोर्स कर लीजिए एंड जिस दिन आपका मैरिज है उसके नेक्स्ट डे या जिस भी दिन आप इंटर कोर्स करते हैं उस दिन आप जो है 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले वर्जीनिया केयर का जो है हाइमन ब्लड कैप्सूल ये डाल लीजिए। ये पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड ब्लड कैप्सूल है, इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये आप प्लीज़ नकली मत लीजिए। आप पैसे बचाने के चक्रों में आप सोचते हैं कि हम ये चीज़ नकली ले लें, बट ऐसा नहीं करना है। अमेजोन फ्लिपकार्ट इन जगह से नहीं परचेज करना है, नंबर आपको दिए जा रहे हैं, आपको उन्हीं नंबर से परचेज इसको करना है, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ आप यूज़ करते हो तो आपकी वजाइना टाइटनिंग हो जाती है एंड ब्लड वाला जो इशू है वो भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो डेफिनेटली इन दोनों को कंबाइन करके आप
यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया फीमेल और मेल के लिए अलग अलग टेलीकॉलर्स हैं, तो आप अलग अलग नंबरों पर ही डालें। अगर किन्हीं को अपने बहन के लिए या वाइफ के लिए परचेज़ करना है तो वो भी परचेज कर सकते हैं, या फिर फीमेल तो कॉल कर ही सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप कंबाइन करके यूज़ करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन आपको अपना कोर्स बीच में स्टॉप नहीं करना है, पूरा 24 डेज तो आपको पूरा करना ही है, ठीक है। कहाँ से आप परचेज कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और फर्दर डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक्स के साथ भी। हमेशा ऑथेंटिक और रिलाय ऑन चीज़ों को ही यूज़ किया कीजिए, क्योंकि वजाइना एक बड़ी सेंसिटिव पार्ट है फीमेल का, और उसके साथ आप जो है छेड़छाड़ ना ही करना चाहेंगे। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे काम करते हैं, येट इफेक्टिव है, एंड इनके कोई भी जो है साइड इफेक्ट्स नहीं है, दैट्स वाई आई रिकमेंड इट टू यू। वेल, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, बाय बाय।